नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर बिहार से, किसानों और एनआरसी बिल की समस्या को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने लिच्छवी भवन के सामने किया धरना प्रदर्शन, जिसके माध्यम से किसानों की क्षतिपूर्ति तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनजीवन हरियाली यात्रा का विरोध किया गया। देखिए बिहार से हमारे संवाददाता निखिल राज सिंह की रिपोर्ट। सारी एकदम माता एवं बहनों भाइयों एकदम गार्जियन सब लोग सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबका एक साथ जुलता करें, सबको विरोध करना चाहिए। मैं जय हिंद जय भारत। मैं अगला वक्ता के रूप में रामचंद्र सिंह यादव भगवानपुर विधायक का मंत्री सच्चानंद यादव जी, सभी मांग को मैं जानता हूँ पहचानता हूँ। साथ में जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, पप्पू ये तो जिंदाबाद, रामचंद्र पप्पू जिंदाबाद। मैं भगुआपुर विधायक भाई रामचंद्र सिंह को आमंत्रित करता हूँ और अपनी बात को रखे। धरना का मकसद जो नीति जो कानून लाए हैं तो पुनः मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, इस कानून को लागू करना है तो मुसलमानों को भी नागरिकता दो, उन्हें भी शरणार्थी बनाओ। अगर नहीं देना है तो किसी को नहीं। एकदम अगर हमारी मांगे सात मांग है, मैं विज्ञप्ति आपको दे दूंगा, सातों मांग अगर पूरा नहीं होगा 19 तारीख को चक्का जाम। और किसानों का जो अब अकस्मात बारिश पे मौसम बारिश से फसल बर्बाद हुआ है, अगर उनको 40,000 एकड़ के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलेगा तो 25 तारीख के बाद में किसानों के साथ नंगा होकर के नग्न प्रदर्शन किया जाएगा बिना झंडा बैनर के साथ, और संपूर्ण किसानों को पदयात्रा करके जगाऊंगा और कैमूर के सड़कों पर नंगे धड़ंगे निकलूंगा। भूखे रोटी के बिना मरेंगे नहीं, किसानों को हक चाहिए। और जो आप जो है मतलब कीजिए, जो किसानों के ऊपर आप लोन का जो प्रावधान किसान क्रेडिट कार्ड है उसे भी माफ करने का काम करें, हमारी मांग। देखिए सबका धान डूब रहा है। दूसरा बात, आपको आप लाल कार्ड दिए हुए बिहार सरकार का, गांव में जाइएगा तो आपको कार्ड है, पोखरा है, बिहार सरकार जमीन है, आपको नहर है, जो घर बना बना कर लोग आज रहते हैं उसको जो बिहार सरकार यहाँ है वो हटाने का काम कर रहा है। आपने देखा कि जब हमारी सरकार थी गरीबों दलितों की सरकार थी, पिछड़ों की सरकार थी, आप किसी के कार्यालय में जाते थे तो आपको सम्मान से इज्जत। सर अपना नाम बताए। सर ये विरोध प्रदर्शन किस विषय पर हो रहा है? हम लोग का मुख्य विषय आंदोलन का कुछ चीज है, जो बिहार सरकार की भूमि पर वर्षों से असुर मोर्चा के माध्यम से बने हैं उसको उतारने का जो अभियान है बिहार सरकार का, नीतीश कुमार जी का, हम उस यात्रा का विरोध करना हमारा मुख्य कार्यक्रम का आज उद्देश्य है। हम लगातार प्रशासन से कह रहे थे कि अपने कुदरती आदेश को वापस दीजिए, किसानों को धान का फसल काटने का अवसर दीजिए, लेकिन इन लोगों ने लगातार किसानों पर और हार्वेस्टर मशीन के मालिकों पर लगातार जो एफआईआर किया, जिसके चलते किसानों का धान 90% खेतों में लगातार 3 दिन बारिश के बाद क्षतिग्रस्त हो गया। यह दूसरी बड़ी मांग है, तीसरी सबसे बड़ी मांग जो सामयिक है, जो देश में नागरिकता बिल के नाम पर देश के समाज को बांटने का काम चल रहा है, धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर। हम
संविधान के मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। हम उसके खिलाफ हम संघर्ष का आवाज देना चाहते हैं, इसलिए मतलब आपका कहना है कि किसानों की ये जो बारिश की वजह से क्षति हुई है, अगर कि नीतीश कुमार ये आदेश न देते तो न होता। हाँ, ये सही है। हम पिछले 16 तारीख को गए थे कलेक्टर से मिलने के लिए। देखो, देखिए, धान किसानों में काटने दीजिए, फसल बिगड़ रही है। फिर 36 को धरना दिया हम लोगों ने इस जिला मुख्यालय पर, और हम लोग आज फिर मांग कर आए हैं मीडिया बीच में कहने के लिए कि आपके तुरंती आदेश के चलते मध्य खेती किसान बर्बाद हो गया, खेती बर्बाद हो गया। NRC पे मतभेद किस विषय पे है? हमारा सबसे बड़ा नागरिकता के सवाल पर है कि धर्म के आधार पर नागरिकता का फैसला दुनिया में किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं रहा है। यह भारत पहला उदाहरण बनने जा रहा है। यह भारत की विविधता के खिलाफ है, भारत और वसुधैव कुटुंबकम के नारे के खिलाफ है। हमारा धर्म भारत का धर्म और भारत के लोग हम नव ग्रह जिसको हम ग्रहों के चाल से नियंत्रित करते हैं, वैसे हमारा भारत हम अलग हो सकते हैं दुनिया के। हम ब्रह्मांड के हमारे जो भगवान है वो ब्रह्मांड के भगवान माने जाते हैं। हम जाति के आधार पर धर्म के आधार पर विभाग नहीं करते समाज, ऐसा हमारा समाज ऐसी स्थिति नहीं करता। नीतीश कुमार जी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार जी को संदेश है कि वह अंतिम की यात्रा है मोहम्मद बिन तुगलक पाशा, दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली करते हुए उनकी जो पार्टी की जो पूरी फौज है और उनकी पूरी राजनीतिक ताकत का जमा पूरे समाप्त हो जाएगी, यही हमारा संदेश है। भभुआ चैनपुर चांद मुख्य मार्ग पर ट्रक फंस जाने की वजह से घंटों तक जाम लगा रहा, जहां पर ग्रामीण द्वारा जाम छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वहां से चंद कदम की दूरी पर थाना होने के बावजूद भी प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सड़क भभुआ से चांद का मुख्य मार्ग है और एक ट्रक फंस जाने की वजह से यहाँ लंबा जाम दोनों तरफ लगा हुआ है। आप इधर चांद की तरफ की रास्ता है जो देख रहे हैं आप, और ये इधर चैनपुर जगरिया गांव पड़ता है चैनपुर के बगल में, और ये ट्रक फंसी हुई है। और यहाँ के आम पब्लिक हैं, जो आम नागरिक हैं, वो जाम छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आम नागरिक कितना मेहनत कर रहे हैं इस जाम को छुड़ाने के लिए, अपने काम धंधों को छोड़कर यहाँ पे जाम छुड़ाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए हैं।